आपको मिलने वाला नहीं। आप उठा के देखो, अगर मेरी बात गलत हो, पहले चरण का चुना हुआ उत्तर प्रदेश में एक भी निषाद कश्यप, पाल प्रजापति, नाई गुड़, लोध लोधी को एक भी टिकट नहीं दिया किसी पार्टी ने। क्यों नहीं दिया? तेरी गिनती नहीं, तेरी गिनती नहीं। दूसरा चरण का चुनाव नहीं दिया, तीसरे चरण का चुनाव नहीं दिया, यही वजह है कि तेरी गिनती नहीं है। राजनीति में गिनती किसकी है? पंडित जी की गिनती है, भाऊ साहब की गिनती है, यादव जी की गिनती है, मुसलमान की गिनती है, चमार की गिनती है, जाटों की गिनती है, उसके बाद किसी जाति की गिनती राजनीति में है कहीं का? बोलो है। क्यों नहीं राजनीतिक भागीदारी देते? सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ता से बेदखल हुए लोग, जब आपको राजनीतिक भागीदारी देना होता है, मैं तो अंदर रह करके देख चुका हूं, सुन चुका हूं, लड़ चुका हूं। लोग कहते हैं कि कहां है, कहां ये है? इसी नाते आज आगरा में मैं आपको सावधान करने आज आया हूं। कोई बड़ा कार्यक्रम करने नहीं आया हूं, सिर्फ आपको यह एहसास कराने आया हूं, जिस दिन आप जग जाओगे उस दिन बेदखल हुए सत्ता से लोग और सत्ता में बैठे हुए लोगों को जो मोतियाबिंद हुआ है आप दिखाई देने लगोगे। उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन आप कर दोगे जिस दिन आप सावधान हो जाओगे। इस नाते साथी, हम लोग प्रदेश में, देश में जातिवार जनगणना चाहते हैं। आज आप बताओ, बेरोजगारी चरम पे है कि नहीं है? बेरोजगारी, नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हम लोग इस नाते घूम रहे हैं कि देश में रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा कक्षा चार से, रोजगार परक शिक्षा कक्षा चार से लागू कराने के लिए मोबाइल बनाना, कलम बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लाउडर बनाना, 100 विषय बने और कक्षा चार से एक विषय हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना एक विषय अनिवार्य कर दिया जाए। रोजगार परक शिक्षा देश में लागू हो जाए, जिसके बेटा बेटी को 4 साल 5 साल मोबाइल बनाने सिखाया जाए तो बोलो सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? जोर से बोलो, सीख लेगा। जिसके बेटा बेटी को 5 साल 4 साल 6 साल मोटरसाइकिल बनाने सिखाया जाए, पढ़ाया जाए तो बोलो वो सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? सीख लेगा। जिसके बेटा बेटी को 5 साल लगातार 4 साल लैपटॉप बनाने सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, वो भी सीख लेगा।